कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने के लिए जिला अधिकारी धीरा सिंह गाबरियाल ने बैठक की और हर की पौड़ी के क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रकार के उचित इंतजाम करने के आदेश दिए। इसके साथ ही मार्गों के सौंदर्यीकरण पर भी चर्चा की। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने के लिए जिला अधिकारी ने बैठक में सबसे पहले भीमगोड़ा से हर की पौड़ी की ओर आने वाले प्रवेश मार्ग पर एक भव्य द्वार स्थापित करने और सौंदर्यीकरण के विषय पर चर्चा हुई। बैठक में हर की पौड़ी स्थित पुलिस चौकी का सौंदर्यीकरण करने का निर्देश देते हुए जिला अधिकारी ने कहा कि पुलिस चौकी का हर की पौड़ी के अनुरूप डिजाइन करते हुए सौंदर्यीकरण किया जाए और इस दौरान बैठक में धनुष पुल की भी चर्चा हुई। इस पर जिला अधिकारी ने कहा कि धनुष पुल के सौंदर्यीकरण के लिए इसमें लाइटिंग की व्यवस्था की जाए ताकि रात्रि के समय भी इसका सुंदर सा व्यू दूर से ही दिखाई दे। इसके साथ ही जिला अधिकारी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की हर छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखा जाएगा। जो हमारे प्राथमिकता में सबसे पहला काम प्राइमरी सेक्टर में हम लोग प्राइमरी सेक्टर में हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर और जैसे भी उससे रिलेटेड जो भी अलाइड सेक्टर्स हैं उसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ और क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के साथ हम लोग को काम करना है ताकि एम्प्लॉयमेंट हम लोग जनरेट कर पाएँ मैक्सिमम लोगों के लिए और यह फोकस करके कि जितने भी हमारे जनपद में SHGs हैं उनको हम ये सारी सुख सुविधाएँ हम प्रदान कराएं ताकि मैक्सिमम लोगों को कम समय में एक अच्छा रोज़गार मिले और साथ ही साथ जनपद में जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और चाहे धार्मिक टूरिज्म की हम लोग बात करें उसके लिए ये ब्यूटिफिकेशन पे हम लोग को काम करने की ज़रूरत है तो जिसमें खासकर हम लोग घर की पेड़ी वाले क्षेत्र को और अपर बाज़ार और उससे रिलेटेड जितने भी अच्छे 2 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है उसको ज़रूर हम फोकस करेंगे और अपनी जो पारंपरिक शैली और जो स्थानीय शैली है उसको हम लोग फोकस करेंगे। तो आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा कि बीच में कैबिनेट का एक डिसीजन आया था कि जितने भी हमारे मार्केट्स वगैरह बनेंगे उसमें जो भी डेवलपमेंट का काम होगा वो स्थानीय शैली में होगा तो उस चीज़ को हम लोग फोकस करेंगे और कांवड़ यात्रा के दौरान जितने चैलेंजेस हमारे पास आते हैं उन चैलेंजेस को कैसे दूर करें और कांवड़ यात्रियों को देखिए रिकॉर्ड एक कांवड़ यात्री हमारे जनपद में आते हैं लगभग 4 करोड़ से ऊपर ही लास्ट में लगभग 4 करोड़ के करीब इनकी संख्या थी अब वो बढ़ के जरूर अब बढ़ेगी संख्या तो उन यात्रियों को कैसे हम लोग सही ढंग से सुविधाएँ दे सकते हैं इसके लिए हम लोगों ने संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको निर्देशित किया है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।